कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। हम भारतीय हैं, भारतीय वेशभूषा का उपयोग कीजिए। आप तो पाश्चात्य मॉडर्न की आड़ में और पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा किस तरह से अवनति की ओर जा रहे हो, पतन की जो ओर जा रहे हो, तो गरमा रखो। तुम एक सज्जन पुरुष हो, ऐसे शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए जो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाए। अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहो। गरमा, तुम एक भारतीय हो, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये विवेक जीवन में होना चाहिए। आज हमारे जीवन में विवेक सोता जा रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, हम अशांत हो रहे हैं। तो भैया, अपनी गरमा रखो। तुम मानव हो, इंसानियत के कार्य करो, दानवीय वृत्ति से ऊपर उठो, तो ही तुम्हारा जीवन शांति में बन सकता है। तो अमूल्य जीवन हमें मिला है, अपनी गरिमा के अनुसार काम करो। अगर तुम पिता हो तो पिता के अनुकूल कार्य करो, और पुत्र हो तो पुत्र के अनुकूल कार्य करो। आज कर्तव्य विमुख हो रहे हैं, अपनी गरिमा हम खोते जा रहे हैं, और अपने कुलाड़ी से अपने पैर काटना एक पुरानी कहावत सुनी होगी आपने। अरे तुम अपनी गरिमा रखोगे, अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहोगे, तो सामने वाला भी तुम्हारी गरिमा को समझेगा, और तुम अपनी मान मर्यादा से विमुख हो जाओगी। तो ग कहता है गरिमा रखिए, और घ कहता है घमंड मत करो। हम तो घमंडी है, मनुष्य के शरीर का निर्माण ऐसा लगता है घमंड से ही हुआ हो। घमंडी मत बनिए, जीवन में बनो तो नरम बनो, झुकना सीखो। आज कोई किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करता है, और अहंकारी आदमी होता है वह अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। कल आपने सुना था, भूतपूर्व विधायक या विधायक कह रहे थे कि मैंने पहली बार जैनों का इतना शालीन मंच देखा है, क्योंकि हमारी मंच की गरिमा हम सब भूल जाते हैं, और हर आदमी मंच पे चढ़ के दिखाना चाहता मैं ही तो हूं। मंच पे बिना बुलाए चढ़ना जाना ये बहुत बड़े ओछेपन का प्रतीक है, और समाज की गरिमा। तो हम जैसे लोग तो मुख्यमंत्री नीचे बैठता है उसे भी नीचे बिठालते हैं, और सोता कहती है अरे मुख्यमंत्री है, हमने की मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होगा, अभी धर्मसभा में आया है। हम जितनी मंच की गरिमा रखेंगे समाज की शालीनता का परिचय होता है, सामने वाले में अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मंच में सम्मान करने जा रहे हैं, पहुंच गए 10-20 की भीड़ पहुंच गई, गरिमा नहीं रह पाती है, और समझदार लोगों को लगता है अरे भाई ये तो लोग रफ लोग हैं, इनके बीच में बैठना, अच्छे लोग तो हमारे कार्यक्रम में आने तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में लोगों को विशिष्ट मिल नहीं पाता है। मंच होता है या तो सम्मान में ही जाता है पूरा, या अन्य अन्य बोलियों में अन्य चीज़ों में जाता है। आज के युवा और बच्चों की अश्रद्धा का कारण है तो हम लोग,
बच्चे प्रश्न करते हैं, जब माता पिता कहते हैं आज अपने यहाँ फंक्शन है, तो बच्चे कहते हैं पापा वहाँ क्या मिलेगा, युवा युवती कहती है वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ तो केवल सम्मान होगा, बोलियाँ लगेंगी, मिलना कुछ नहीं है। और आजकल बच्चों ने धर्म सभाओं में, युवा पीढ़ी ने धर्म सभाओं में जाना बंद कर दिया, उनकी श्रद्धा निभा दी। मंच की गरिमा हम रखेंगे तो ये धर्म प्रभावना युवा, आज का हर युवा युवती पढ़ा लिखा है, समझदार है, वह 2 घंटे 4 घंटे बैठे मिले क्या से, कुछ नहीं मिले, बस इसकी माला उसकी माला जानते, अभी तो ये माला चल रही है तो 2 घंटे 3 घंटे बाद चलेंगे। तो ये सब बड़ी स्थिति, हर आदमी चाहता मैं मंच पर चढ़ूं, मैं अपने आप को दिखाऊं। तो हम लोग समझते हैं मंच पर आ रहा है बहुत हाई क्लास के लोग हैं, इनसे बात करना, इनसे दूर रहना चाहिए, तो हम भी प्रयास करते हैं इनसे दूर रहें। तो ये सब बातें कहने के लिए कल मंच पे उसने कहा, मैंने कर्नाटक में देखा मंच की बड़ी गरिमा रखते हैं, कोई नहीं चढ़ेगा वहाँ, अध्यक्ष हो मंत्री हो कोई कितना हाई पावर का हो, सम्मान भी करना है तो 1 आदमी 2 आदमी आएंगे तब तो दूसरा चढ़ेगा पहला उतर जाएगा, हम तो एक साथ आए और दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन स्त्री जो मंच होती है, हम लोगों की मंचों तो बहुत अनुशासन होता है और मुझे कहना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता है, सब ऑटोमेटिक, न मंच पे कोई चढ़ सकता है न कोई वो हो सकता है, स्त्री जो मंच होती है, अन्यथा तो और मंच पे भीड़ कर दें तो उसकी गरिमा रहती नहीं है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, सिरोंज जी ललितपुर के पास है, तो ज्योतिराज सिंधिया ना था, ये था कि पहले महाराज पास ले जाएंगे, आप जानते हो कोई भी आदमी आ जाए तो पब्लिक कैसे टूटेगी, फोटो मेरा ही खींचना चाहिए और तो कोई है ही नहीं। खैर वो जैसे ही मंच पे पहुँचे, मैं मंच पे था नहीं और मंच पे भीड़ कर दी, और जैसे ही मंच पे पहुँचे तत्काल ज्योतिराज जी उतरने लगे, मुझे समाचार मिले, मुझे लेके लोग जैसे पहुँचे वो जीना से मंच से उतरने लगे। मैंने कि सिंधिया जी रुकना यार, 1 घंटा वह व्यक्ति मंच पे बैठा था। मैंने माधवराज सिंधिया की पूरी फाइल खोली, उनके बाबा जी की फाइल खोली और फिर ज्योतिराज सिंधिया से बात मैंने की। तो ये कहना चाहता हूँ, अच्छे जो लोग होते हैं वो हमारे फंक्शनों में आने से डरते इसलिए हैं तो वहाँ तो भाई, तो ये सब लोग नहीं करते हैं, समाज तो मुख होता है, हम लोगों को मंची गरिमा रखना ये भी धर्मात्मा का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए मंच पे चढ़ने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, और गरिमा हम रखेंगे तो हमारी गरिमा बनेगी, हम गरिमा नहीं रखेंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो घमंड की बात कर रहा था, जो घमंड है वह घ कहता है घमंड मत करो, जो भी अहंकारी होगा उसका नियम से पतन, सरल नम्र बनिए। किसका अहंकार करते हो, और धार्मिक क्षेत्र में तो अहंकारी को कोई भी स्थान नहीं, जो अहंकारी होगा उसे मंदिर में दर्शन नहीं हो सकते, प्रवचन सभा में प्रवचन नहीं हो सकते, वो तो अपने कुर्ता में रहता है, कलर में रहता है, हमेशा टिप टॉप और अपने अहंकार में चूर रहता है, उसे समझ में नहीं आएगा प्रवचन। और धार्मिक क्षेत्र में अहंकार का विमोचन करके आओ, नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य श्रोता हूं। तो हमें जीवन में पाना है तो घमंड से हम ऊपर उठें, और चाहे चरित्रवान बनो, आचरण निष्ठ बनो। आज हमारा आचरण बहुत गिरता जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है हर व्यक्ति हार्ट अटैक का चैंपियन बनने में लगा हुआ है,
हर व्यक्ति चाहता है मुझे कैंसर हो और मैं स्वर्ण पदक कैंसर में जीतूं। मेरी बात तो आपको थोड़ी सी पसंद नहीं आएगी। जो भी आपकी जीवन शैली है, कैंसर कैसे हो सके? आपका आप खाओगे पियोगे कैंसर के लिए, रोगी बनने के लिए भोजन करते, कपड़े पहनते रोगी बनने के लिए, जो भी आपकी दैनिकचर्या है वो रोगी बनने के लिए। आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाएगी, आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाएगी, आपकी जीवन शैली आपके विचारों का निर्माण करती है, आपकी जीवन शैली आपका पतन अवनति करती है। ये कटिंग, यह है जागरण, दैनिक जागरण 9/8/17 की कटिंग है और हेडिंग है वीडियो गेम बन सकता है दिमागी बीमारियों की वजह। और यह कनाडा देश में विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट मोलिकुलर साइकेट्री में प्रकाशित हुई है और इसमें बताया गेम खेलने की जो शौकीन है वह किस तरह से कई तरह की बीमारियां होते हैं, जिसमें सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियों खतरा बढ़ सकता है। और कनाडा यूनिवर्सिटी ने ये सब तथ्य रखे हैं। तो ये जो गेम चल रहे हैं, कार्टून चल रहे हैं मोबाइल पे और बहुत तरह की जो आज चल रही हैं, ये तकनीकी का जब दुरुपयोग व्यक्ति करता है, कोई भी चीज़ हो, भोजन आप लिमिट से बाहर खाओगे तो वह भी, इन सब चीज़ों का सदुपयोग हम करें तो अपने बच्चों को तो आप बचा ही सकते हैं कार्टून और गेम से, क्योंकि आपने इतना उनको टेंड कर दिया है कि भी आज मोबाइल छोड़ने तैयार नहीं है और उसके परिणाम कितने घातक है बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन में विकास कीजिए और निराशावादी मत बनिए। आइंस्टीन वर्ल्ड का बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा है और आइंस्टीन जब स्कूल में पढ़ते थे तो वे इतने टैलेंट नहीं थे, उन्हें पाठ भी बहुत कम याद होता था। एक बार गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी मेरी बुद्धि कैसे बढ़ सकती है, मेरा क्षेत्रम, मेरी मेमोरी कैसे बढ़ सकती है? आइंस्टीन समझदार बालक था। गुरुजी ने कहा, क्लास टीचर ने कहा, बेटा अगर तुम एकाग्रता और उत्साह जीवन में लाओ तो तुम जो चाहो वह कर सकते हो। मैं हमेशा कहता रहता हूं कभी जीवन में निराशावादी नहीं बनना चाहिए, आशावादी बनिए। मुझे पग पग पर निराशा के प्रसंग मिलते हैं, असफलता को हम लोग सफलता का प्रतीक मानते हैं। सुनने में आपको बड़ा अटपटा मालूम पड़ेगा, आज हम असफल हो रहे हैं तो कल सफलता हमें नियम से मिलेगी। अगर आपके अंदर उत्साह है, लगन है, जगो और लगो। पुनः सब दोहरा रहा, जागिए, लगनशील बनिए। क्या नहीं कर सकता व्यक्ति? आलसियों के लिए तो कहीं कोई स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। पुरुषार्थियों के लिए आइंस्टीन के अंदर वह उसने एकाग्रता बढ़ाई, उत्साह बढ़ाया और वह वर्ल्ड में आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक के नाम से जाना गया। हम बहुत जल्दी टूट जाते, मेरे पास निराशावादी लोग 99% के दिन तो ऐसे युक्ति नहीं, बहुत निराश हो जाते हैं, स्वास्थ्य से निराश हो जाते हैं, बिजनेस से निराश हो जाते हैं, स्टडी से निराश हो जाते हैं, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। मैं केवल उनके अंदर उत्साह का संचार करता हूं, आत्मविश्वास जगाने का मेरा
प्रयास रहता है, आत्म उत्साह इसके अंदर जगे और निराशा नेगेटिव सोच इसकी कैसे दूर हो सके। अब जो मान जाती हैं नेगेटिव सोच को दूर कर लेती हैं या जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है उन्हें तो सफलता मिल जाती है, और जिनके दिमाग में एक ही रहती है चार साल हो गए से ये फाइनल नहीं हो रहा है, चार साल हो गए से ये फाइनल हो रहा है, वे कभी जीवन सफल नहीं हो पाते। पुरानी बातें जितना ज़्यादा व्यक्ति याद करेगा उसे जब भी बैठता पढ़ने के लिए मैं इंटरव्यू निकल नहीं पाऊँगा पहले से ही असफलता की विचारधारा शुरू हो जाती है। तो जीवन हमें मिला है, हम जीवन का विकास करें, जीवन की उन्नति करें, और व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे वो बन सकता है, कर सकता है। तो आइंस्टीन हमें बताता है कि अपने जीवन में पुरुषार्थी बनेंगे, एकाग्रता लाएंगे। मैं कोटेशन बहुत बोलता था पहले, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। जीवन में कभी भी हार मत मान, जीवन में कभी टूटिए मत, कितने भव लग जाए पुरुषार्थ करते जाइए। आज नहीं कल नहीं सफलता मिलेगी। ये जो बड़े बड़े आज संगठन आप देख रहे हैं, बड़ी मेहनत, और इनमें बहुत निराशा मुझे हाथ लगी, मैं कभी टूटा ही नहीं। और मैं एक बात कभी कभी कहता हूँ, 100 को हमने बुलाया है और 2 आ गए तो हमें 98 की हमें चिंता नहीं है, हमें तो 2 आ गए ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। कार्यकर्ता कभी कभी निराश हो जाते हैं, मैं उनसे पहले कहता हूँ हमारे यहाँ 2 हैं ये 200 के बराबर है, हमें 98 की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो जो है उसका आनंद लेंगे, जो नहीं है हमें उससे क्या मतलब, जो आया है हमारे लिए वो बहुत। अब ऐसी सोच बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी इसके लिए पॉजिटिव सोच चाहिए, तब कहीं तो अपने जीवन में आप भी एक अच्छा इंसान ही नहीं बन सकते, आप भगवान बन सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन में इस वर्णमाला की एक एक अक्षर का चिंतन करें, सुख और शांति की ओर कदम बढ़ाएं, इसी भावना के साथ हिंसा विश्व धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा, श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।